तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जो अभी आपको तंग कर रही है, वो चाहे जो भी चीज हो, मगर आपकी ये टेंशन आपको जीने नहीं दे रही, आपके अपनों से दूर कर रही है, आपकी सक्सेस और खुशियाँ आपसे छीन रही है। तो क्या आप जिंदगी भर टेंशन में रहना चाहते हैं या फिर खुलकर अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं? इस किताब में आपको ऐसे इफेक्टिव तरीके मिलेंगे जो आपको हर प्रॉब्लम से छुटकारा दिला देंगे। क्या आपकी आदत है कि आप हमेशा पुरानी बातों का पछतावा करते रहते हैं या फिर हमेशा फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं? कभी कभी लोग इतनी टेंशन लेते हैं कि वे अपने प्रेजेंस को ही भूल जाते हैं। क्या आपको लगता है कि आप एक भरपूर जिंदगी जी रहे हैं? हर दिन को भरपूर जिए। स्प्रिंग्स के सुहावने मौसम में एक जवान मेडिकल स्टूडेंट अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। क्या वो फाइनल एग्जाम पास कर पाएगा? स्कूल खत्म होने के बाद उसे कहाँ जाना चाहिए? कैसे वो अपने करियर शुरू करेगा? वो लड़का यही सब सोच रहा था। उसके हाथ में एक किताब थी जिसे वो उस टाइम पढ़ रहा था कि उसमें लिखे ऐसे 21 वर्ड मिले जिन्हें पढ़कर वो इंस्पायर हो गया। आने वाले टाइम में वो मेडिकल स्टूडेंट अपने जनरेशन के सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर्स में से एक था। उसने फेमस जॉन होपकिंस मेडिकल स्कूल को लीड किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेसर बना। और वो नौजवान था सर विलियम ऑसियर, जो 21 वर्ड सर विलियम ने पढ़े थे। दूर से धुंधला दिखाई दे रहा है, उसे देखना हमारा मेन काम नहीं है, बल्कि वो क्लियरली हमारे हाथ में है, उसे देखना है। इसका मतलब है कि हम उन कामों या टास्क पर ज़्यादा फोकस करें जो हमें अब भी करना है, बजाय इसके कि हम फ्यूचर के बारे में टेंशन ले। हमने येर यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने स्टूडेंट को डेट टाइप कंपोनेंट के रहने के लिए एनकरेज किया। सोचो कि आप अपने पास के दरवाजे लॉक कर सकते हो, फिर आप अपने फ्यूचर के दरवाजे भी लॉक कर लेते हो, तो अब आपके हाथ में वो बचेगा, वो है आपका प्रेजेंट, यानी आज और अभी। डे टाइम कंपोनेंट का मतलब है हर एक दिन के हिसाब से जीना। खुद को अलाउ करो कि आप सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोचो जो उस वक्त आपके सामने मौजूद है। आपके दिमाग को पास्ट या फ्यूचर में ना भटकने दे। सर विलियम का यह मतलब नहीं है कि आप फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर ना हो, मगर उसको लेकर फिक्र करने के बजाय अपनी सारी एनर्जी आज के टास्क में लगाए तो ज़्यादा फायदेमंद है। जो भी करे उसे पूरे दिल से करे, अपना बेस्ट दे, बस यही आपको करना है, फिर तो आपका फ्यूचर बढ़िया होगा। स्टैंड रेट का एक दाना, एक टाइम में एक टास्क एक दिन में। हम अपने पास्ट और फ्यूचर के बीच में खड़े रहते हैं। पास्ट एक लंबी हिस्ट्री और फ्यूचर बहुत बड़ा है, किसी ने इसे नहीं देखा, और हो सकता है कि हम इतनी लंबी जिंदगी ना जी पाए, तो फिर क्या फ़ायदा कि गुजरे हुए और आने वाले टाइम के बारे में सोच सोच के परेशान हो। हमें फिक्र करनी चाहिए तो सिर्फ आज की। दिन रात फिक्र करने से बहुत से लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। ऐसे लोग नर्वस ब्रेकडाउन या फिर एक्सट्रीम बॉडी पेन के शिकार होते हैं। इससे तो अच्छा है कि उन कामों पर ध्यान दिया जाए जो हमें आज करने हैं। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हमें बस अपने आज में जीना चाहिए। इससे नींद भी अच्छी आएगी और आने वाली सुबह भी फिक्र के बजाय फ्रेश होगी। मिशिगन की मिसिज ई के सील्स के सुसाइड करने के तक की नौबत आ गई थी, तभी उन्होंने अपने आज में जीने की इम्पोर्टेंस समझी। अपने पति की मौत के बाद वो गरीबी झेल रही थी और काफ़ी डिप्रेस हो गई थी। मिसिज सील किताबें बेचने के अपने पुराने धंधे पर लग गई। उसे लगा काम करने से उनका मन बहल जाएगा, मगर अकेलापन एक बीमारी की तरह होता है जो धीरे धीरे आता है। अकेले खाना, अकेले ड्राइव करना, यही अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। ऊपर से कोई स्कूल उसकी किताबें खरीदने को तैयार नहीं था, उसे कहीं भी सक्सेस नजर नहीं आ रही थी। जब जीने की कोई वजह न लगे तो इंसान टूट जाता है। मिसेस सिल पूरी तरह होपलेस हो चुकी थी। तंग आकर उसने अपनी जान देने की ठान ली। मिसेस सिल को कार पेमेंट और रूम रेंट का भी इंतजाम करना था। उसे लगने लगा कि शायद उसे खाने के भी लाले पर जाएंगे। अगर बीमार पड़ी तो डॉक्टर की फीस कहाँ से लाएंगी? जो एक चीज़ मिसेस सिल को सुसाइड करने से रोक रही थी वो ये कि अगर वो मर जाएगी तो उनकी बहन को बहुत दुख होगा और वो बेचारी फ्यूनरल का खर्चा नहीं उठा पाएंगी। फिर एक मिसेस सिल ने एक आर्टिकल देखा, इसे पढ़कर उन्हें जीने की हिम्मत मिली।
उस आर्टिकल में लिखा था, समझदार आदमी के लिए हर एक दिन नया होता है। उसने वो आर्टिकल वहाँ टांग दिया जहाँ रोज उस पर नजर पड़ सके। उसने अब अपने पास्ट को भूलकर और आने वाले कल की फिक्र छोड़कर जीना सीख लिया था। मिसेस शील्ड रोज सुबह उठकर खुद को रिमाइंड कराती थी, आज एक नई जिंदगी की शुरुआत है। अपनी गरीबी और अकेलेपन के डर से बाहर आ पाई। उसने खुशहाल और पॉजिटिव तरीके से जीना सीख लिया था। उसका हर दिन अब बेहतरीन गुजरने लगा क्योंकि वो 20 अपने आज को जीने लगी थी। बस एक बात उसने अपने दिमाग में रखी, समझदार आदमी के लिए हर दिन नई जिंदगी है। हम क्यों अपने प्रेजेंट से दूर भागते हैं? क्यों हम हमेशा फ्यूचर के सुहावने सपने देखते हैं और आज की खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं? जब हम बच्चे थे तो जल्दी से बड़े होना चाहते थे, और जब बड़े हो जाते हैं तो शादी करने के सपने देखते हैं। फिर एक दिन हमारी शादी भी हो जाती है, तब हम रिटायरमेंट के सपने लगते हैं, और जब फाइनली रिटायरमेंट का दिन आता है तो हमें महसूस होता है कि हमने कितना कुछ खो दिया। जिंदगी जिसे हम देर से समझते हैं, दरअसल हर दिन हर पल को जीने का नाम है। एक पुरानी रोमन कहावत है, कार्प डेम, जिसका मतलब है दिन को भरपूर जियो। आप अपनी जिंदगी के चाहे किस मोड़ पर हो, इसे एंजॉय करो, इसे जियो। जिंदगी में जो भी मिला है उसे सराहो। ना पास्ट की फिक्र करो ना फ्यूचर की, बस उस पर फोकस करो जो आज करना है, क्योंकि पास्ट आपको बस उदास करेगा। जो भी बुरी आदतें, यादें हैं, रिग्रेट्स हैं, उन सब को पीछे छोड़ दो। जो हो गया उसे भूल जाओ। और जहाँ तक फ्यूचर की बात है तो आने वाली कल में कई बातें हो सकती है। आपके फिक्र करने से कुछ होने वाला नहीं, जो होना है वो तो होकर रहेगा। आज के बारे में सोचे, आज आपके क्या टास्क हैं, अभी इस वक्त आप कहाँ हैं। अपने आज को अप्रिशिएट करें। हर रोज एक जिंदगी जिए। जो 24 घंटे आपको मिले हैं सिर्फ उन पर फोकस करें, और ये देखें कि इन 24 घंटों को आप कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। क्या आप ये 24 घंटे सिर्फ टेंशन में गुजारेंगे, या फिर उन्हें आप अपने करियर, अपने करीबी लोगों और जिंदगी की खुशियों को अप्रिशिएट करने में बिताएंगे। आप देखेंगे कि कैसे हर एक दिन भरपूर जीकर आपको जिंदगी से कितना कुछ मिल सकता है। आप हर पल का मजा लेंगे और अपने हर टास्क पर फोकस कर पाएंगे। जैसा कि सर विलियम ने कहा है, जिंदगी भी सक्सेस मुझे मिली है उसका सारा क्रेडिट मैं फ्यूचर की फिक्र छोड़कर अपने आज के टास्क को पूरा करने की पावर और अपना बेहतरीन करने की कोशिश को देता हूँ। अपनी पत्नी को बर्तन साफ करता देख मैं बेफिक्र जिंदगी जीना सीख गया। महान विलियम वुडपेट के जानलेवा दर्द से परेशान रहते थे। उन्हें इतना दर्द होता था कि वो रात में सो नहीं पाते। उनके पिता की स्टमक कैंसर से मौत हुई। महान वुड को लगता था कि उन्हें भी शायद यही बीमारी है। विलियम वुड अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल गए। एक स्पेशलिस्ट ने उनका एग्जामिन किया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके स्टमक का एक्सरे एकदम क्लियर है। उसने उन्हें कुछ दवाइयाँ लिख के दी जिससे उन्हें आराम आ जाए और चैन से सो सके। डॉक्टर ने ये भी कहा, उनके स्टमक पेन की वजह उनका इमोशनल स्ट्रेस है। महान विलियम वुड बहुत बिजी रहते थे। उन पर हमेशा अपने टास्क फिनिश करने की धुन सवार रहती थी जिससे वो आराम नहीं कर पाते। वे हमेशा जल्दी में रहते थे और ऑक्सियस और टेंस फील करते थे। एक वक्त में उनके दिमाग में हजार बातें आती थी। फिर उन्होंने अपने डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करनी शुरू कर दी। उन्होंने हर जिम्मेदारी अपने सर लेने की आदत छोड़ दी और अब वे हर मंडे रेस्ट करने लगे। एक दिन वे अपनी डेस्क साफ कर रहे थे जिसमें उन्हें कुछ ऐसे नोट्स और इम्पॉर्टेंट पेपर मिले जो अब काम के नहीं थे। एक एक करके विलियम ने वो सारे पेपर डस्टबिन में फेंक दिए। तभी उन्हें एक आइडिया आया कि जैसे वे वेस्ट पेपर डस्टबिन में फेंक रहे हैं, उसी तरह बीते हुए कल की हर प्रॉब्लम को तोड़ मरोड़ कर अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंका जा सकता है। अपने पास्ट का बर्डन लेकर चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा होगा कि उसे भी किसी रद्दी पेपर की तरह फेंक दिया जाए। एक दूसरे मौके पर विलियम वुड ने देखा कि उनकी पत्नी बर्तन साफ करते हुए कुछ गा रही थी। उन्होंने खुद से कहा, देख बिल, तुम्हारी बीवी कितनी खुश लग रही है। हमारी शादी को 18 साल हो गए और वो इतने सालों से बर्तन धो रही है। विलियम ने सोचा, अगर उनकी बीवी को पहले ही पता होता कि शादी करने के बाद उसे इतने सालों तक बर्तन धोने पड़ेंगे तो वो शायद कभी उनसे शादी के लिए हाँ नहीं करती।
महान विलियम वुड को रियलाइज हुआ कि उनकी बीवी को ये काम जरा भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो हर रोज के हिसाब से बर्तन धोती है। उसके कल के गंदे होने वाले बर्तनों की फिक्र आज नहीं है, और ना ही वो उन बर्तनों के बारे में सोचती है जो उसने कल साफ किए थे। उन्हें समझ आ गया कि उनकी बीमारी की वजह यही है कि वे हर काम तुरंत पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो दरअसल कोशिश कर रहे थे कि आज के बर्तन, पिछले दिन के बर्तन और आने वाले कल के बर्तन जो अभी गंदे भी नहीं हुए, उन सबको वो आज ही साफ कर ले किसी भी सूरत में। और यही विलियम वुड की सबसे बड़ी गलती थी जो उन्हें रियलाइज हुई। वे दूसरों को हमेशा सही ढंग से जीने की नसीहत देते, मगर खुद अमल करना भूल गए थे। महान विलियम वुड ने जब अपना रूटीन चेंज किया तो उन्हें नींद भी बढ़िया आने लगी और उनका टास्क स्टमक पेन भी गायब हो गया था। ये याद रखें कि हर दिन को उस दिन के हिसाब से जिए, क्योंकि जब आप बीते हुए और आने वाले टाइम का बर्डन लेकर चलेंगे तो होगा कुछ नहीं, बस आपकी बॉडी सफ़र करेगी और लास्ट में आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। वक्त हर चीज़ का मरहम है। लुइस मोर्टेज जूनियर को लगता था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल खो दिए हैं, और वो वक्त था उनकी 18 से 28 की उम्र का। लुइस को ऐसे इसलिए लगता था क्योंकि वे तब हर चीज़ की फिक्र करते थे, अपनी जॉब, परिवार, हेल्थ और कई तरह की इनसिक्योरिटीज उन्हें थी, जबकि वे इस साल उनकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम हो सकता था, मगर उन्होंने उसे टेंशन में खो दिया। लुइस नए लोगों से मिलने से कतराते थे, उन्हें एक तरह का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। उनकी यही इनसिक्योरिटी उनकी ज़िंदगी छीन रही थी। उन्होंने 3 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था और तीनों जगह से वे रिजेक्ट हुए थे, क्योंकि उनमें इतना कॉन्फिडेंस तक नहीं था कि वे अपने एम्प्लॉय को अपनी खूबियाँ बता सके। और तब एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। वे एक ऐसे इंसान से मिले जिसकी ज़िंदगी में उनसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, फिर भी वो इंसान खुश लग रहा था। उस आदमी का नाम बिल था। बिल 1929 में अपनी सारी जमा पूंजी गवा चुका था। फिर दोबारा 1933 में भी उसके साथ यही हुआ था। 1937 में भी वो बैंकरप्ट हो गया था। हालांकि उसने काफ़ी परेशानियाँ झेली थी, मगर वो फिर भी नहीं टूटा। उसने कितने ही लोगों से कर्ज ले रखा था, कई सारे लोग उसके दुश्मन थे, तब भी वो मजबूती से खड़ा था। लुइस को बिल से जलन हो रही थी कि वो उसकी तरह स्ट्रांग क्यों नहीं है। बिल ने लुइस को अपना सीक्रेट बताया। उसने कहा कि अगली बार जब कोई बड़ी मुसीबत आए तो पेपर की एक सीट और एक पेंसिल अपने पास रखे। जो भी प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़े उसकी डिटेल उस पेपर में लिखने के बाद वो उसे अपने डेस्क की किसी ड्रॉअर में डाल दे। 2 हफ्ते बाद फिर से वो पेपर पढ़े जो तुमने उस पेपर में लिखा था। अगर वो अब भी तुम्हें तंग कर रहा है तो वापस उस फिर से 2 हफ्ते के लिए ड्रॉअर में रहने दो। आपकी परेशानियों वाली वो लिस्ट अभी भी ड्रॉअर के अंदर है, मगर इस बीच आपके आसपास काफ़ी कुछ बदल गया होगा। आपने नोटिस भी नहीं किया होगा, मगर आपकी कुछ प्रॉब्लम बड़ी हो या छोटी हो अपने आप ही सॉल्व हो गई होगी। बिल कहते हैं, मैंने महसूस किया है कि अगर मैं पेशेंस रखता हूँ तो मेरी सारी चिंता फिक्र ऐसे गायब हो जाती है जैसे हवा निकलने से बैलून फुस हो जाता है। लुइस को बिल की एडवाइस हमेशा याद रही। उसने उनको बहुत सी चीज़ों में मदद मिली। तो अभी आपको किस बात की फिक्र सता रही है? आपको एहसास होगा कि जो अभी सॉल्व नहीं हो रहा वो टाइम के साथ खुद ही सॉल्व हो जाएगा। ऐसे 5 तरीके जिसे मैं अपनी चिंता दूर करने के लिए यूज़ करता हूँ। प्रोफेसर विलियम फेब्स को लगता था कि उनकी आंखें अब नहीं रही। 5 मिनट कुछ पढ़ते ही उनकी आंखें दुखने लगती थी। उनसे खिड़की के बाहर भी नहीं देखा जाता। ऐसा लगता था जैसे कोई उनकी आंखों में सुई चुभो रहा है। प्रोफेसर विलियम को डर था कि कहीं उन्हें अपनी आंखों की वजह से टीचिंग ना छोड़नी पड़ जाए। एक दिन उन्हें एक स्पीच के लिए इन्वाइट किया गया। वहाँ लाइट इतनी ब्राइट थी कि प्रोफेसर को बार बार अपनी नज़रें फ्लोर की तरफ करनी पड़ रही थी, मगर जब उन्होंने स्टूडेंट को एड्रेस करने के लिए उनकी तरफ देखना शुरू किया तो उन्हें आंखों में पेन महसूस ही नहीं हुआ। वे पूरे 30 मिनट तक इसी तरह स्पीच देते रहे। प्रोफेसर विलियम को लगा कि अपने टीचिंग के पैशन की वजह से उन्होंने अपने दर्द को जीत लिया था। जब उनका दिमाग कोई बेहतर, बेहद ज़रूरी काम करने में लग जाता है तो उन्हें अच्छा महसूस होता है।
टीचिंग के लव ने प्रोफेसर विलियम को जिंदगी जीना और इसे एंजॉय करना सिखा दिया था। वो अपना हर दिन ऐसे जीते जैसे कि वो उनका पहला और आखिरी दिन हो। जब वे सुबह उठते तो अपने स्टूडेंट से मिलने का वेट करते। ये उनका एंथुजियाज्म ही था जो उन्हें सारे दुख दर्द से निजात दिलाता था, और अपने पेन और दुख से छुटकारा पाने का ये पहला मेथड है। और दूसरा मेथड जो प्रोफेसर विलियम ने अपनाया वो था कि कोई अच्छी सी किताब पढ़ के टेंशन से दूर रहे। जब आप कोई बुक पढ़ते हैं तो आपका दिमाग उसमें इतना डूब जाता है कि आपको और कुछ याद ही नहीं रहता। तीसरा मेथड है फिजिकल एक्टिविटी। एक बार प्रोफेसर विलियम डिप्रेस हो गए थे, उन्होंने क्या किया कि खुद को कोई कई तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ में लगा लिया। वे हर सुबह टेनिस खेलने लगे, फिर नहाने के बाद वे अपना लंच लेते, दोपहर में वो गोल्फ खेलने जाते और कभी कभी रात में घंटों तक डांस किया करते। उन्होंने यह महसूस किया कि जब उनकी बॉडी पसीना बहाती है तो दिमाग से ऑटोमेटिकली सारी परेशानियां गायब हो जाती है। चौथा मेथड है खुद को किसी भी तरह के प्रेशर और जल्दबाजी से दूर रखे। प्रोफेसर विलियम को कनेक्टिंग के फॉर्मर गवर्नर विल्बुर क्रॉस ने एक एडवाइस मिली। मिस्टर क्रॉस ने उन्हें बताया, कई बार मुझे एक ही साथ में कई सारे काम करने होते हैं जिससे मैं प्रेशर में आ जाता हूँ। तब उस वक्त मैं क्या करता हूँ कि रिलैक्स बैठकर बस अपना पाइप पीता रहता हूँ और कुछ नहीं। टेंशन भगाने का प्रोफेसर विलियम का पांचवा और लास्ट मेथड है ये याद रखना कि टाइम और पेशेंस हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। कोई भी मुश्किल आए वे उसे एक अलग सोच के साथ देखते हैं। प्रोफेसर विलियम खुद से कहते हैं, 2 महीने हो जाने दो, फिर मैं इसकी परवाह नहीं करूँगा, तो अभी क्यों करूँ। एक बार में एक काम भले एक आदमी। एक बार पेनिसिल्वेनिया के एक हंस्टिंग क्लब में एक बूढ़ा टोटा था। उसका पिंजरा दरवाजे के साथ लटका रहता था। जब भी कोई वहाँ आता तो टोटा ये बोलता था, एक बार में एक काम करो भले आदमी। वो बूढ़ा टोटा बस यही रटता रहता था क्योंकि उसे यही सिखाया गया था। कहने का मतलब है कि आप पर चाहे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, फिर भी काल्म और कंपोज रहने की कोशिश करें। एक एक करके ही अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। कैसे जॉन डी रॉकफेलर 45 सालों तक उधार की जिंदगी जीते रहे। 33 की उम्र में जॉन डी रॉकफेलर सर मिलियनर बन चुके थे। जब वे 43 के हुए उस वक्त तक उनकी कंपनी स्टैनफोर्ड ऑयल लार्जेस्ट मोनोपोली कंपनी बन चुकी थी, मगर 53 साल के होते होते उनका बिजनेस धीमा पड़ने लगा। जॉन डी अपने जीवन की ऊंचाइयों को छू लेते मगर उनकी हेल्थ गिरने लगी। डॉक्टर के हिसाब से ऐसा उनकी लाइफस्टाइल की वजह से हुआ था। जॉन डी अपने बिजनेस की दिन रात फिक्र किया करते थे। उनके बाल गिरने लगे थे, वे टकले हो गए थे। कभी वे एक स्ट्रांग इंसान हुआ करते थे मगर अब काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। उनकी स्किन भी अब स्किन पीली पड़ गई थी। जॉन डी के पास ज़रा भी फुर्सत नहीं थी किसी भी शौक या आराम के लिए। उनके पास वक्त ही नहीं था, बस पैसा कमाना ही उनका मकसद बन गया था, जिसकी वजह से हर टाइम प्रेशर और टेंशन में रहते थे। जॉन डी हमेशा खुद को ये रिमाइंड कराते थे कि शायद उनकी सक्सेस टेम्पररी थी। उनके बिजनेस पार्टनर जॉर्ज गार्डन उन्हें सेलिंग के लिए इनवाइट करते मगर जॉन डी कभी नहीं जाते थे। उनकी वीकेंड भी ऑफिस में ही गुजरने लगा। वो हंसना तक भूल गए थे, सबको उनसे डरते थे। जॉन डी किसी की भी अच्छाई नहीं देखते थे, और एक दिन वो भी आया जब उनकी मोनोपोली फेल हो गई। उनके राइवल्स पूरी पावर से वापस आ गए थे। उनकी ऑयल कंपनी ने जिन लोगों को अब्यूज़ किया था वे अब सब चेंज की डिमांड कर रहे थे। जॉन डी की हेल्थ गिरती चली गई, उनकी रातों की नींद उड़ गई थी, वे ढंग से खा नहीं पाते थे। उनके डॉक्टर्स ने उन्हें उनकी सही हालत से वाकिफ करा दिया था, या तो वे कंपनी चुने या फिर अपनी हेल्थ। अगर वे रिटायर नहीं हुए तो 53 की उम्र में मर सकते थे, और उनकी मौत का कारण होगा उनका डर, लालच और टेंशन। तो आखिर जॉन डी को अपनी कंपनी छोड़नी ही पड़ी। उनके डॉक्टर्स ने उन्हें फॉलो करने के लिए 3 हेल्थ रूल्स बताए। पहला तो ये कि कभी टेंशन ना ले, जॉन डी को हर हाल में टेंशन देने वाली बातों से दूर रहना था। दूसरा कि उन्हें पूरा रेस्ट करना है, रेस्ट के साथ साथ किसी भी तरह की एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है।
उन्हें आउटडोर एक्टिविटीज़ अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। और तीसरी खास बात कि अपने डाइट को हमेशा मॉनिटर करना है, जो भी खाना है सही अमाउंट में खाना है। जब जॉन डीन ने ये सारे रूल्स फॉलो करने शुरू कर दिए, तब जाकर उनकी जान बच पाई। वो 53 की उम्र में मरने वाले थे, मगर वे अगले 45 सालों तक जिए। उन्होंने गोल्फ खेलना शुरू कर दिया था और अपने कई सारे नेवर्स से दोस्ती भी कर ली थी, थोड़ी बहुत गार्डनिंग भी शुरू कर दी थी। यही नहीं, अब वे गाने भी लगे थे। मगर सबसे बड़ा चेंज जो जॉन डी की ज़िंदगी में आया वो ये कि वे अब दूसरों की परवाह करना सीख गए थे। जब वे रिटायर हुए तो उनके पास काफ़ी वक्त था सोचने के लिए। जॉन डी ने महसूस किया कि जितना पैसा उनके पास था उससे वे ना जाने कितने ही लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते थे। अब उन्होंने पैसे कमाने के बारे में सोचना छोड़कर लोगों की हेल्प करने लगे थे। तो फाइनली आप आ चुके हैं इस समरी के कंक्लूजन पर। आपको बताएगी कि किस तरह एक वक्त में ही काम करें जिस पे आप पूरा ध्यान लगा पाए, अपना सारा एफर्ट डाल पाए, बस अपने पास्ट को भूल जाए, सिर्फ प्रेजेंट पर ध्यान दे, जो सामने है बस उसी पर फोकस करे कि आज आपको क्या काम करना चाहिए, आपके टास्क क्या हैं। खूब मेहनत करें, अगर आप अपना बेस्ट एफर्ट देंगे तो फ्यूचर अपना ध्यान खुद ही रख लेगा। आपने इस किताब से बेफिक्र जीने के कई तरीके सीखे हैं।